Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे कुछ लोगों को क्वार्टर मिले हुए हैं, वे लगभग 50 साल से यहाँ पे रह रहे, और इसी के बराबर में एक चर्च है, और जो चर्च वाले हैं जैसे कि यहाँ हम आपको दिखाते हैं पार्किंग की जो जगह है वो एक खाली जगह है, वो चर्च के नाम भी नहीं है, और उसमें ज़बरदस्ती यहाँ पे जैसे कि लोगों ने बताया कि कब्जा करना चाह रहे, और जो लोगों के आने जाने का गेट है उसको बंद करने के लिए यहाँ पर ये सामान भी लाया गया। तो यहाँ पे हम इन लोगों से बात करते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे कितने साल से रह रहे, और चर्च वाले क्या, जैसे कि सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है ये फ्री जो नोटिस के लिए है, इस पर कुछ ये चिपके हुए हैं, और ये भी बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ज़बरदस्ती लगाया गया है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे कि क्या उनके साथ हो रहा, क्या नाइंसाफ़ी हो रही, और जैसे कि चर्च है उसके पास कोई ऑर्डर है क्या, है इन लोगों को यहाँ से उजाड़ना चाह रहे, क्या चाह रहे। अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर मिली हुई है, तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी साल से। मेरे पिताजी की 50 साल की सर्विस हो गई है, मैं सुखदेव जी का बेटा हूँ, और काफ़ी जब जब आते हैं यहाँ पर, कभी सफाई करने के बहाने से आते हैं, तो कभी कुल्हाड़ियाँ ले लेके आते हैं, कुल्हाड़ियों से कोई सफाई की जाती है। कितना परिवार यहाँ रहता है? इधर 4 परिवार रहते हैं जी। 4 परिवार जी, यानी कि आप 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं? जी जी जी। तो हमारी पैदाइशी हमारी यहीं की तो है जी। ये चर्च वाले क्या कहते हैं आप लोगों को? ये हमसे ये कहते हैं कि यहाँ पे हमको आके डराते धमकाते हैं कि इधर से खाली करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम तुम्हारे साथ में ये करेंगे वो करेंगे, डराते धमकाते हैं। हर संडे को जी, और हर शनिवार और इतवार को इनका प्रोग्राम रहता है, इनकी पास्टर कमेटी की मीटिंग बैठती है, तो ये शाम को हर शनिवार और इतवार को हर बार हमला करने के लिए आते हैं। क्या कोई धर्म परिवर्तन की भी बात करते हैं? ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अब और लोगों से कहते हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, अगर वो और लोगों से बोलते हैं तो वो लोग आपको बताएंगे इसके मामले में। आप 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसके तो आपके पास कागज होंगे जी? सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? पता नहीं, इनको सिर्फ ये दिक्कत है, कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई अब तो हम तुमको निकाल रहे हैं, जबकि अभी भी नौकरी के 10-10 साल बचे हुए, बिना कहे रिटायरमेंट दे दिए इनको, और एक बार भी एक आदमी को एक साथ नहीं, इन्होंने चारों के चारों आदमियों को एक साथ निकाल दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अनऑथराइज्ड पेड़। अच्छा, और क्या क्या मतलब और क्या क्या वो समस्या पैदा कर रहे हैं? मैंने सुना है कि कैमरे वैमरे का भी कोई मामला है बहुत, इन्होंने आप देख सकते हैं इधर भी कैमरे लगाए हैं, काफी जगह कैमरे लगाए हैं इन लोगों ने, काफी कैमरे लगा रखे हैं हमारे घरों के सामने, कैमरे लगा रखे हैं। फैमिली रहती है, बच्चे आपके रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, तो कैमरा लगा रहे हैं, तो आप लोगों ने इसमें ऑप्शन नहीं उठाया? हमने बहुत विरोध किया था इसका, हमने अपनी FIR लगा रखी है थाने में, हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, हमने सब कुछ, हमारे पास प्रूफ है, अगर आप बोले तो हम आपको प्रूफ भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं, और ये फिर भी अदबदा के और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल भी लगा के गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहिल है। राहिल जी, जिस तरीके से आप लोग 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? उनका है राकेश जेकब है, दीपक है, और राकेश जय वकब, रोहिदीन। अच्छा, तो क्या कारण है ये आपको परेशान करने का? जी, हमें यही कह रहे हैं कि यहाँ से मकान छोड़ो, और ना ये हमारा पैसा दे रहे हैं जो रुका हुआ है, कोई अगर ये कोर्ट जाते हैं तो 15,000 या 6,000 डाल के लेके जाते हैं, तो ये क्यों लेके जाते हैं ऐसे ही? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, ये ऑर्डर है हमारे पास में, ये ऑर्डर है सर, SDM कोर्ट का ये ऑर्डर। अच्छा, तो इसकी आपने कंप्लेन लिखी हुई थाने में? लिखवाइए थाने में। लिखवाई थाने वाले ने? थाने वालों ने कुछ नहीं सुनाई नहीं कर रहे, कुछ हुआ हमारे, क्योंकि ये लोग पैसा खिला देते हैं। कल भी 50,000 रुपए खबला के आए हैं। अच्छा जी हाँ, ये लोग तो उन्हीं की करते हैं थाने वाले, तो जहाँ पैसा खाते हैं उन्हीं की मदद करेंगे, उनकी मदद करते हैं, उनकी मदद हमको वो भजा देते हैं। अच्छा, कहते हैं यहाँ से जाइए, यानी कि आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। बाकायदा पुलिस वाले भी आ गए तो बोलते हैं कि जो पैसा तुम्हारे को मिलेगा उसमें थोड़ा हमको भी चाहिए, वो भी कहते हैं शांति से रहे, हमें शांति से रहने दें। जो पुलिस वाले हैं कौन है? बहादुर, SHO से लेके ASI कमिश्नर तक सब मिले हुए हैं। मिस्टर बहादुर है जो बीट अफसर है यहाँ का, कल हमें धमकी दे के गया कि तुम्हारी नौकरी से जितना मिलता है उसने मेरे को भी हिस्सा देना। जितने भी पादरी हैं, पादरी सुरेश का, पादरी तिब्बती सा और रोहित डीन
और राकेश जैकब और दीपक पॉल, दीपक पॉल के नाम से रजिस्ट्री विशप हाउस ने करी है, तो वो फ्रॉड रजिस्ट्री है। जो एक विशप जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो किसी के नाम पे कैसे दे सकते हैं? तो आप लोगों ने कोई केस वेस डाला? सर हमने SDM की एक केस कॉपी है, हमारा केस फाइनल हो चुका है। और दिल्ली पुलिस जिसमें कहती है पैसा खाती है, जिसमें कहती है मकान खाली करो नहीं दस दिन में एक घंटे में तुम्हारा सामान बाहर फिकवाता हूँ। आज सुबह कल शाम को हमें धमकी दे के गए, ये गेट बंद होगा और तुम्हारे बीवी बच्चों को रोड पे खड़ा कर देंगे हम, जिसमें दीपक पॉल, राकेश जैकब, रोहित डीन और पादरी त्रिभुति शाह, उससे पहले था सुरेश कुमार बोलता है मेरी बीवी से पैर पकड़ के माफी मांगिए नहीं तो मकान खाली कीजिए यहाँ से। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे? सर हमारी सरकार से और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग गरीब परिवार है और मेरी सर्विस मैं 46 साल का हो चुका हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी नौकर थे। इसके लिहाजे से ये SDM की रिपोर्ट है, इसके लिहाजे से हमें शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, नहीं तो जैसा आप सरकार सोचे जैसा आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ईसाई जितने भी पादरी हैं मॉनिटर है सब कहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ से भगाएंगे और पैर पकड़वा देंगे। हाँ जी सर, मेरे से पिछले 2-3 साल पहले मिस्टर सुरेश कुमार पादरी ने कहा था ईसाई बन जा तेरे को हम सब फैसिलिटी देंगे। हाँ जी धर्म परिवर्तन के, मैंने कहा मेरा एक बाप है, एक बाप को ही बाप कहेंगे, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहेंगे। तो कितने सालों से आपको परेशान किया जा रहा है? सर अभी पिछले 5-7 साल से ऑर्डर के बाद, ये देखिए सर 13 महीना हो गए मिस्टर सुरेश कुमार। अच्छा थाने में कितनी बार जा चुके हैं? सर 9-10 बार, हर बार ये FI सर, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और हमको धमकियां दी जाती थाने से। बीट अफसर है वो धमकी देता है? हाँ जी बीट अफसर बहादुर आता है, पहले ऊपर मिल के आता है वहाँ से खा के आता है, उसके बाद कल भी आपको बता दूंगा, कल भी उसने कहा कि जितना पैसा यहाँ मेरे से मिलेगा उसमें से मेरा हिस्सा देना। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.